जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम एक चिमनी भट्टे पर, जहाँ से ईंट बनता है और इसी ईंट से घर बनाया जाता है। तो ईंट कैसे बनता है, कितना मेहनत लगता है ईंट बनाने में, यही सब चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। इधर आप देख रहे हैं, इधर पका हुआ ईंट निकल रहा है और इधर आपको देख रहे हैं, इधर कच्चा ईंट रखा जा रहा है, इसको पकाया जाएगा। तो इधर कच्चा ईंट रखा जा रहा है और इधर पका ईंट रखा जा रहा है। देखिए कितना मेहनत लग, मतलब ना प्रेम है, बता दीजिए। हाँ, प्रेम लाऊ नहीं। ठीक ठीक, कोई प्रेम जी है, मेन मिस्त्री हुए हैं। हाँ, प्रेम। देखिए इधर लोग ईटा निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, इधर अंदर लाया जा रहा है ईटा। अरे प्रेम जी। हाँ, प्रेम जी हैं। हाँ, प्रेम जी। तो बहुत लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत। साथियों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ईंट के भट्टों पर मजदूर कितना मेहनत करते हैं। देखिए सुबह से लोग आए हैं, जिस समय हम लोग सोते हैं इस समय लोग जग कर अपना 3 बजे रात को ही लोग आ जाते हैं काम पर। देखिए कितना चारों तरफ मजदूर लगे हैं, अपना धूल, अब लोग धूल में जाने से डालते हैं, लेकिन इन लोगों का शरीर देखिए पूरा धूल से ही लथपथ हो गया है। दोस्तों कहते हैं गरीबी बड़ी बहुत बुरी चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं मजदूर साथी जो लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं इनका ज़िंदगी चलता है। तो देखिए, देखिए भट्टे से हीटर लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं लोग सुबह से ही। तो चाचा जी, आप लोग कहाँ कराने वाले हैं? सिवली परसा, अपने ही क्षेत्र कराने वाले हैं। दोस्तों ये सिवली परसा कराने वाले हैं, और बाहरी लोग भी यहाँ पर काम करते हैं का? कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड, बाहर के लोग भी काम करते हैं ईंट भट्टों पर। अच्छा लगता है दोस्तों इन लोगों से काम, इनके संघर्ष को देखकर। देखिए जो, देखिए उधर से कच्चा ईंटा आ रहा है और इधर पक्का ईंटा निकल रहा है, तो कई तरह के। देखिए इधर हमारे एक चाचा जी हैं, बहुत बढ़िया एकदम मस्ती में है। देखिए इधर कच्चा ईंटा जा रहा है अंदर, और अंदर से पका ईटा इधर इधर निकल रहा है। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वीडियो बनता चाचा। देखिए कितना मेहनत, इतना फास्ट लोग काम कर रहे हैं, इतना तेजी में। कहो चाचा, कब से लोग आयल बना लोग यहाँ काम करते हैं? लोग 5 बजे सुबह में आ जाते हैं लोग, और कब तक काम चलेगा ये? ऐसे 10-11 बजे तक काम चलेगा। देखिए दोस्तों इधर, देखिए ऐसे मुंशी साहब हैं, मुंशी जी हैं ना आप। तो देखिए चारों तरफ ईंटा रखा गया, इधर पक्का ईंटा है और इधर कच्चा ईंटा अंदर चल रहा है। चलो हम आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कैसे ईंट को पकाया जाता है भट्टी में। भट्टी से कोयला लकड़ी के सहारे ईंट को पकाया जाता है। और अभी दोस्तों हम महाराजगंज जिले में हैं, और यहाँ का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि ईंट भट्टों पर कितना लोग मेहनत करते हैं। देखिए दोस्तों, यही चिमनी का अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं कि अंदर पक्का ईंटा निकाला जा रहा है, और इधर देखिए इधर लाइन बाई लाइन से कच्चा ईंटा इधर रखा जा रहा है। उसके बाद जब सर ईंटा को रख दिया जाएगा, उसके बाद तब इसमें आग लगाया जाएगा, मतलब ईंधन रखा जाएगा, उसके बाद ईंटा पक कर बाहर आएगा। अब देखिए किस तरह से इसमें हवेलीदार बनाया गया है जगह जगह, बहुत है, इसका सिस्टम अलग है। हाँ, तमाम लोग नहीं जानते होंगे कि कैसे कैसे का होता है, सब लोग ईंटा देखते हैं। हाँ, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए चाचा जी, देखिए कितना लोग मेहनत कर रहे हैं, और बहुत कब से आप लोग आए हैं, कब सुबह से? अरे बहुत, 6 बजे का। 6 बजे यानी 5 से 6 बजे का अगर आप लोग काम, कब तक काम चलेगा? 2 बजे तक चलेगा। इतना तेज घाम होता तो घमो में तो बड़ी परेशानी होती है। परेशानी बन है, कितना कमा लेगा एक दिन में? हाँ, 400-500 ही है। हाँ, कहाँ करवाए आपके? खोस्टा करवाए। तो मतलब पूरा जब ले ईटा पथाई निकलाई तब ले रहा जाए। हाँ, दू जने और बाहरी भी बना सबका, छत्तीसगढ़ झारखंड। हाँ, ईटा पता था ना सब। देखिए दोस्तों नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए उधर इधर पक्का ईटा निकल रहा है, और इधर कच्चा ईटा रखा जा रहा है, उसके में इसके बाद इसको पकाया जाएगा तो अभी निकलेगा। और हमें अगिया कब लगी, कब कोयला लौट रहा है? हुआ पड़ल बा, चढ़ जाए ना, कौन दिक्कत ना हुई। तो दोस्तों अभी हम देखिए भट्टे पर हैं, और लाइव रिकॉर्डिंग आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ईंट भट्टों पर मजदूर कितना लोग मेहनत करते हैं, तब जाकर ईंटा निकलता है, तब जाकर हमारा घर बनता है। बहुत मेहनत के बाद ईंटा बनता है, और तमाम लोग कहते होंगे कि बड़ी महंगा ईंटा है। अरे तो लागत महंगा हो गया तो ईंटा तो महंगा मिलवे करेगा। हाँ, मजदूरी महंगा हो गया है, कोयला महंगा, लकड़ी महंगा, तमाम तरह का। देखिए कितना लोग कितना फास्ट काम कर रहे हैं, इतना फास्ट काम करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। वो सुबह से आकर लगभग 2 बजे तक। हाँ, देखिए दोस्तों, देखिए सब लोग मस्ती में, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी के मतलब थकान नहीं है चेहरे पर, सब लोग मस्ती में काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है।
देखिए देखिए इधर भोजन कर रहे हैं, चाचा जी भोजन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, भोजन कर लीजिए आप। अरे देखा नहीं थी यार भट्टिया। देखिए दोस्तों भट्टे पर अभी हम भट्टे के ऊपर है, देखिए यही है चिमनी और इसमें चारों तरफ ईटा रख दिया गया है और इसको पकाया जा रहा है ईटा को। देखिए देखिए सिर्फ चारों तरफ ईटा ईटा दिखाई दे रहा नजर आ रहा है। देखिए देखिए सिर्फ धूल गर्दा चारों तरफ उड़ रहा है, इसी में लोग काम कर रहे हैं मेहनत। देखिए दोस्तों यही, हाँ ठीक है, देखिए ईटा यहाँ से निकल रहा है पका ईटा। भैया मिस्त्री मकान में हाँ आगे खमाई। चलो ठीक है तो दिखाव हम करी थी कहीं। हाँ चलो अरे हम दिखा देनी, वो दिखा देनी कहाँ गया दिखाओ ना। देखिए दोस्तों यही कोयला है, देखिए इसी कोयले से ईटों को मतलब ईट पकाया जाता है। अब देखिएगा कितना इसमें आग धधक रहा है अंदर। देखिए दोस्तों देखिए अंदर आप देख रहे हैं, देखिए कितना आग अंदर कितना धधक रहा है, एकदम पूरे तरीके से लाल हो गया है। इसमें कोयला डाला जाता है ना, यह कोयला डाला जाला। देखिए दोस्तों थोड़ा देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों हम देखिए अंदर का आपको दिखा रहे हैं, कोयला इसमें डाला गया है और पूरी तरीके से देखिए लाल हो गया पूरा अंदर। अब इसी में ईटा पकेगा, कितने दिन में पक जाएगा ईटा? दो दिन में पक जाता है। उसके बाद ईटा कौन दिन में निकाला जाएगा? यानी 14 दिन के बाद, पकने के बाद 14 दिन के बाद निकल जाता है ठंडा होने के बाद। देखिए दोस्तों कितना धूल बड़ उड़ रहा है, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा है और इसी में लोग मजदूर काम कर रहे हैं। देखिए कितना मेहनत लोग करते हैं, इतनी गर्मी इतनी तापमान में लोग मजदूर काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इधर भी कुछ मजदूर साथी लोग लगे हुए हैं, चारों तरफ देखिए कितना बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इधर हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही कोयला है, यही कोयला इसमें डाला जाता है अंदर और इसी कोयले के सहारे ईंट को पकाया जाता है।